एक बार मुल्ला नसरुद्दीन की वाइफ डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर उनको समझा रहे थे किस तरह से जब किसी इंसान की एक कोई ऑर्गन कमजोर हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसकी कमी दूसरा ऑर्गन पूरी कर दे। तो मुल्ला की बीवी बोली, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई, मैंने देखा है बहुत बार, जब किसी का एक टांग छोटा होता है तो भगवान उसकी दूसरी टांग लंबी कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहुत पेनफुल क्वेश्चन एक भाई साहब ने पूछा है। उस क्वेश्चन का नाम रखा है उन्होंने मे बी द नेक्स्ट थिंग। कह रहे थे, बचपन से मैंने बड़ी मेहनत की है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा कॉलेज मिला, फिर बहुत अच्छी नौकरी मिली, फिर उसके बाद उनका बिज़नेस भी चालू हुआ और फाइनली आज वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। लेकिन आजकल वो बहुत डिप्रेशन में हैं, तकरीबन 50-55 साल के हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम मे बी द नेक्स्ट थिंग अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ पाई है। मतलब क्या है इसका? जो भी चीज़ उन्होंने हासिल करने की कोशिश की, उनको लगा शायद इससे उनको सुकून मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी, पीस मिल जाएगी, लेकिन हमेशा अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के बाद उनको अधूरापन महसूस होता रहा ज़िंदगी भर। तो उनको लगा शायद अगला वाला उनको कम्प्लीट कर दे, फुलफ़िल कर दे, लेकिन वो अगला वाला आज तक 50-55 साल की उम्र तक कभी आया ही नहीं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन गाड़ी चला रहे थे, अपनी पुरानी मारुति एल्टो चला रहे थे पहाड़ों में, और तब तक से सामने से एक बड़ी ज़ोर से कार आई, स्पोर्ट्स कार, शायद फिरारी थी कोई कार थी, और उसमें से एक बड़ी खूबसूरत सी मॉडल टाइप की दिखने वाली लड़की ने अपना सर बाहर निकाला और ज़ोर से बोला, सुअर। मुल्ला को बड़ा ज़ोर से गुस्सा आया, वो पीछे मुड़ के उस गाड़ी को देखा और उस लड़की को बोला, गधी। और फिर जब अपना मुंडी सीधे किया और गाड़ी आगे लेकर गए, आगे मोड़ पे लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा मोटा सा सुअर था जिसको धाड़ से जाके उनकी गाड़ी टकरा गई। हम सब भी गलत फहमी का शिकार हैं। बचपन से हम लोग सेंसेशन से अपने आप को भरने की और सुकून पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन उसका एक जड़ से प्रॉब्लम है, उसको मैं कहता हूँ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम सब इस शरीर के साथ पता नहीं क्यों ऐसा विश्वास करते हैं कि हम यही हैं। पतंजलि योग सूत्र में 8 स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पता है समाधि को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आइडेंटिफिकेशन। हम इस शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि हमारी रियल आइडेंटिटी हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट है, लेकिन वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम इस शरीर के ऊपर कोई डाउट कर पाएंगे। जब तक हम लोगों को लगता है कि ये शरीर हम हैं, तब तक फ्रस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होगा, चाहे हम अपनी ज़िंदगी की कितनी ही ऊंचाइयों को पा जाएं। प्लीज़ इस चीज़ को केवल सुनिए मत, इसको देखिए, हर छोटी छोटी चीज़ में देखिए। दूसरी बात, जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम गलत चीज़ पर टारगेट करते हैं, ख़ास तौर से जब हम फ्रस्ट्रेशन से और लाइफ की कोर क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं, तब ये गलती ज़्यादा ही हो जाती है। एक बार मुल्ला अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था बार में और उसने अपने फ्रेंड से कहा, पता है आज मैंने किताब पढ़ी और उसमें इतना डिटेल में लिखा हुआ था कि सिगरेट पीने से आदमी बीमार हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो उसका दोस्त बड़ा खुश हुआ, उसने कहा, तो अब क्या करोगे, स्मोकिंग छोड़ दोगे? उसने कहा, नहीं, रीडिंग छोड़ दूंगा। हम भी ऐसे ही अपनी फियर्स को और अपनी फ्रस्ट्रेशंस को डील करने की कोशिश करते हैं, ज़रा सा डर लगा तो कोई ना कोई एस्केप खोज लेते हैं। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, वो एक तपस्वी की ज़िंदगी क्यों जीते थे? इस सवाल को कभी आपने पुटअप किया है अपने सामने? क्यों इंटेलिजेंट लोग साधु की ज़िंदगी जीते थे? क्योंकि वो रियलिटी को एज ए टीचर यूज़ करना चाहते थे। हम लोग जैसे ही डरते हैं, किसी फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, आप अपने आप से पूछिए, आप क्या करते हैं? आपका दिन का सबसे डोमिनेंट एक्टिविटी क्या होता है? शायद वो गलत तरीका नहीं है अपनी फियर्स को डील करने का, अपनी एस्केप्स को आप पहचान सकते हैं, मैं नहीं पहचान सकता। हमको लगता है कि हमारी मेहनत, हमारे एम्बिशन, हमारे गोल्स, हमारा परिवार हमारे खालीपन को ख़त्म कर देगा,
कभी खालीपन के ऊपर मेडिटेट किया है कि खालीपन किससे आ रहा है? जितनी मेहनत आपने पढ़ाई के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार के लिए की है या कर रहे हैं, क्या उतनी मेहनत अपने आप को जानने के लिए की है? ज्ञानीजन कहते हैं केवल सेल्फ नॉलेज वही हमारी सारी डिफिशियंसीज को, सारे अधूरेपन को हमेशा हमेशा के लिए सुकून दे सकती है। लेकिन क्या है सेल्फ नॉलेज? एक बार मुल्ला नसरुद्दीन की वाइफ डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर उनको समझा रहे थे किस तरह से जब किसी इंसान की एक कोई ऑर्गन कमज़ोर हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो उसकी कमी दूसरा ऑर्गन पूरी कर देता है। मान लीजिए कोई आदमी बहरा है तो उसकी आँखें, आई साइट बहुत स्ट्रांग हो जाती है। कोई अगर अंधा है तो उसकी सूंघने की या सुनने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो मुल्ला की बीवी बोली, हाँ, मैं समझ गई, मैंने देखा है बहुत बार जब किसी का एक टांग छोटा होता है तो भगवान उसकी दूसरी टांग लंबी कर देते हैं। हम ऐसे ही सोचते हैं सेल्फ नॉलेज के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में। हमारे पास जो कुछ भी है, दो आँखें, दो कान, दो नाक, दो हाथ, दो पैर, जो कुछ भी हमारे पास है, हमको लगता है उसी का एक्सटेंशन है सेल्फ नॉलेज। जी नहीं, सेल्फ नॉलेज इतना आसान नहीं है। सेल्फ नॉलेज बिना परस्यू किए, बिना खोजे नहीं मिलता है, देखना पड़ता है। कहते हैं पतंजलि योग सूत्र में, टायरलेस एंडेवर चाहिए होता है। जो उसको हासिल कर लेता है उसको बुद्ध के नाम से हम संबोधित करते हैं। पूरी जिंदगी का काम है सेल्फ नॉलेज, इतनी आसानी से नहीं आता है। मिल सकता है लेकिन इसको एकमात्र अपनी लाइफ का गोल बना करके परस्यू करना पड़ता है। हमारे बहुत से मित्र जब स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करते हैं तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, आत्मन, परमात्मन, इन सब को जब डिस्कस करते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने PhD कर रखी है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन गांव में रहता था और वो अपने बहुत अमीर दोस्त के घर पे शादी में गया। बड़ी शर्म लग रही थी, उसके कपड़े गांव के थे, उसको ठीक से बोलना चलना नहीं आता था। तो कुछ नहीं, बगल में छोटा सा बार था जहाँ शादी हो रही थी और वो गए भाई साहब, बस पीते रहे विस्की, पूरी तरह से चढ़ गई। तब उन्होंने देखा एक लड़की है, बड़ी खूबसूरत सी है और वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उसके पास खड़े हैं। तो गया और बोलता है, डांस करोगे मेरे साथ? कजरारे कजरारे गाना चल रहा है। तो उसने कहा, ना बिल्कुल नहीं करूँगी। और इसके पीछे चार रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न कि तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है। दूसरी रीज़न कि इस समय जो गाना चल रहा है वो कजरारे कजरारे नहीं चल रहा है। तीसरी रीज़न कि मैं कोई लड़की वड़की नहीं हूँ। और चौथा रीज़न कि मैं इस जो शादी हो रही है उस लड़के का बाप हूँ। हम भी नशे में हैं, हमको भी चीज़ें दिखाई देती हैं और जो कुछ देखना चाहते हैं वो सब दिख जाती हैं। सेल्फ नॉलेज, खुद को जानना, उसका केवल एक ही तरीका है। इलाहाबाद में फ्रिज में बचपन से ही, मैं जब भी स्कूल से आता था तो एक च्युइंगम मिलता था हम लोगों को, बबल गम, उसको फुलाने वाला च्युइंगम होता है। मैं हर रोज़ 2-3 लेकर आया करता था, उसको खाता था और उसमें से एक स्टिकर निकलता था, उसको निकाल निकाल के मैं फ्रिज के ऊपर चिपकाता रहता था। मम्मी बहुत डांटती थी लेकिन मैं चिपकाता रहता था। पूरी फ्रिज मैंने गंदी कर रखी थी और फिर मुझे दिवाली के टाइम पर उसको निकाल निकाल के खरोचना पड़ता था, साफ़ करना पड़ता था। खुद को जानने का तरीका भी यही है। जो जो चीज़ आप नहीं हैं उसको पहचान करके अपने माइंड में और अपने लाइफ में अलग करना होगा। आप अपने आप से पूछिए, आप क्या हैं? इतना आसानी से दिखेगा नहीं, चिपका हुआ है। उस फ्रिज में तो गोंद से चिपका हुआ था वो कागज़, उसको हम लोग किसी तरह से साबुन से या कॉलिन से निकाल पाते थे, लेकिन इसका तो गोंद भी नहीं दिखता। इसकी चिपकन पता है किस चीज़ से आती है? आप गेस नहीं कर सकते, एकदम मासूम और सुपर ग्लू है। उस सुपर ग्लू का नाम है नॉन इसेंशियल्स। ढेर सारी चीज़ें हैं जो असल में बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन हमने अपने आप को उसके साथ बांध रखा है। इस समय आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसके आधे घंटे पहले कौन सी चीज़ थी जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चिंता थी, जिसने आपकी नींद ख़राब कर रखी थी,
जिसके बारे में आप बहुत परेशान थे, वो चीज़ एक नॉन इसेंशियल है। केवल एक ही चीज़ है जो इसेंशियल है, आपका ट्रू सेल्फ। उसको जानने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। आप देखिए आप क्या क्या नहीं हैं, लेकिन आपका दिमाग ज़्यादातर टाइम नॉन इसेंशियल्स, जो चीज़ें फालतू हैं, उसको इम्पॉर्टेंट मान के उसी में इंगेज्ड है। उसी से आपको अपने आप को डिटैच करना है। सालों से सन्यासियों ने अपने आप को जो अलग किया है समाज से, वो इसलिए किया क्योंकि ये समाज, परिवार, आपका रुपया, आपका पैसा, जो कुछ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एक सन्यासी के लिए नॉन इसेंशियल है। इनसे जब वो काटता है तब वो पहुँचता है इसेंशियल के पास। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं और आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं, और वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड पीस। हम सब जब ट्रूथ को या गॉड को या सेल्फ को परस्यू करने की कोशिश करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, हम अपनी पीस ऑफ माइंड खोने को तैयार होते हैं, यूजुअली खो देते हैं। जितने लोगों से भी मैं मिला हूँ जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, वो ज़्यादातर डेस्परेट कंडीशंस में मुझसे मिलते हैं। हम सबका ये मानना है कि जब हमको ट्रूथ मिलेगा, जब हम परम ज्ञानी हो जाएंगे, तब उसके साथ साथ हमको पीस भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। ये निहायत गलत एजम्पशन है दोस्तों। एक पीसफुल माइंड को ट्रूथ के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि एक पीसफुल माइंड गहराई से चीज़ों को, दुनिया को, इवेंट को, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप को, अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को परसीव कर पाता है। हमारी परसेप्शन, हमारे आँखों के आगे का धुंधलापन, हमारे कान सही सही तब सुन पाते हैं जब वो पीसफुल होते हैं। डिस्टर्बेंस चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में आपके बिजनेस, आपके परिवार, आपकी पढ़ाई की वजह से हो, या आपका कोई स्पिरिचुअल रीज़न हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं तो आपका परसेप्शन कमज़ोर होगा, अगर आप पीसफुल हैं तो आप सुन पाएंगे और देख पाएंगे। लास्ट में उन भाई साहब ने कहा कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, 50-55 साल की उम्र, बैंक बैलेंस इतना कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से खा सकते हैं और उनका एक पुश्त आराम से जी सकता है उनकी कमाई से। लेकिन वो क्या कहते हैं कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। पता है स्पिरिचुअलिटी में इसको किस नाम से पुकारते हैं? इसके ऊपर हंसा जाता है मित्रों, इसको कहा जाता है डूअरशिप। हम अपने आप को इस दुनिया में जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हम खुद को उसका कर्ता मानते हैं, डूअर मानते हैं। आपको लगता होगा ना, आपके दिल में जो धड़कन है वो आप कर रहे हैं, आपका ब्रेन जो सोच रहा है वो आप सोच रहे हैं, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपके कान वो आप सुन रहे हैं। कितना बड़ा इल्यूजन है हम सबको डूअरशिप का, कर्तापन का। आप केवल रिसीव कर सकते हैं गिफ्ट, आप जाकर खड़े हो सकते हैं हम्बली, विनम्रता के साथ, पेशेंटली, और फिर इंतज़ार करिए। मुझे भी आपका इंतज़ार है, जनों का एडवांस में आपका इंतज़ार है। थैंक यू दोस्तों।